स्मार्ट आदमी की क्या डेफिनेशन है, आप किसे स्मार्ट आदमी कह सकते हैं, क्या आप जानते हैं एक स्मार्ट आदमी में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? एक स्मार्ट आदमी शांत रहता है और आसपास की चीजों को ध्यान से देखता है, समझता है और जिनकी जरूरत हो उनको ही अपने अंदर लेता है। यही एक स्मार्ट आदमी की पहचान है। आप स्मार्ट बनना कहाँ से शुरू करते हैं, स्कूल से? जी हाँ, बिल्कुल सही। बहुत लोग सोचते हैं कि लर्निंग स्कूल से शुरू होती है। हाँ, लर्निंग का प्रोसेस स्कूल से ही शुरू होता है, पर वो स्कूल तक सीमित नहीं रहता। हम सबको स्कूल छोड़े हुए बरसों हो गए हैं, पर क्या हमारी लर्निंग रुक गई है? नहीं। क्या हम सब ने सीखना बंद कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं। सीखना और स्मार्ट बनना एक रेगुलर प्रोसेस है। इसे आप एक बार में नहीं सीख सकते हो। आपकी कुछ ऐसी आदतें होनी चाहिए जो आपको स्मार्ट बनाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम ऐसी आदतों और डेली हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको दिन ब दिन स्मार्ट बनाएगी। ये आदतें बिल्कुल मुफ्त है और ये आप आसानी से अपने घर में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली आदत जिसको जान के आप हैरान हो जाएंगे कि इसे कैसे स्मार्ट बन सकते हैं, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ भी नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि बिना कुछ किए हम स्मार्ट कैसे बन सकते हैं? हम आपको समझाते हैं कि बिना कुछ किए आप स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। दिन भर हम सब बिजी रहते हैं, अपने चेकलिस्ट को पूरा करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग अब कुछ भी नहीं सोचे। हम टीवी देखते हैं, हम गेम्स खेलते हैं ताकि हमारा दिमाग किसी भी बारे में न सोचे। हमारा दिमाग प्रोडक्टिव सोच करना बंद कर देता है और यही पर हमारी सीखने की प्रोसेस भी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप कुछ भी नहीं करें और अपने दिमाग को रेस्ट दें, थोड़ी शांति दे। अगर आप अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं तो आपका दिमाग स्मार्ट तरीके से सोचता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा एक शेड्यूल ना फॉलो करें। आपने सुना होगा कि दुनिया में जितने स्मार्ट लोग हैं वो स्मार्ट वर्किंग पे ध्यान देते हैं, न कि हार्ड वर्किंग पे। इसलिए आप स्मार्ट वर्कर बने, हार्ड वर्कर नहीं। दूसरा तरीका जो आपको बहुत स्मार्ट बना सकता है वो है अपने सोच के विपरीत सोचना। जी हाँ, आप हमेशा ही अपने सोच के हिसाब से सोचते हैं और दूसरों से आर्ग्यू भी करते हैं, पर अब वक्त आ गया है कि आप अपने सोच के विपरीत सोचें। आपको पता है कि दुनिया के सभी स्मार्ट लोग सिर्फ अपने सोच के ही नहीं दूसरों के सोच का भी ध्यान रखते हैं। अगर आप सभी एंगल से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे क्या सोचते हैं। इससे आपकी सोच और आपका दिमाग और विकसित होगा। इसे डेविल्स एडवोकेट भी कहा जाता है। हम सब सिर्फ अपने सोच और इंटेलेक्ट के हिसाब से ही सोचते हैं, पर जब आप दूसरे की इंटेलेक्ट के हिसाब से सोचते हैं तभी आप स्मार्ट बनते हैं। तीसरा तरीका है हर दिन किताबों को पढ़ना। जब आप हर दिन किताबों को पढ़ते हैं तो उससे आपको हर तरह से सोचने में मदद मिलती है। आपको तरह तरह के बुक्स पढ़ने से न्यू वर्ड्स, न्यू आइडियाज आते हैं और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपको दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ें जिससे आपका ज्ञान बढ़े। आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इन चीजों को यूज करके भी आप स्मार्ट बन सकते हैं। बहुत सारी पॉडकास्ट, वीडियोस, बुक्स, लिटरेचर अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं। हम आपको एक और तरीका बता सकते हैं स्मार्ट बनने का। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। रोज सुबह कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। UCLA के एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से मेडिटेट करने से आपके ब्रेन के टॉक्सिन्स फ्लश हो जाते हैं और आपका ब्रेन ज्यादा हेल्दी तरीके से सोच पाता है। येल यूनिवर्सिटी ने भी बताया है कि मेडिटेशन करने से आपके स्ट्रेस कम हो जाते हैं और आप ज्यादा खुश रहते हैं। हार्वर्ड के रिसर्च के अनुसार रेगुलर मेडिटेशन से आपकी मेमोरी अच्छी होती है और लर्निंग भी फास्ट होती है। नंबर 5, क्या आपको ये पता है कि आप किसी से बात करके भी अपने सोच को स्मार्ट बना सकते हैं? जी हाँ, आप अपने दोस्तों से किसी भी विषय पर बात करें, आप उनकी सोच को समझते हुए उनकी बातों का जवाब देते हैं। इससे आपको समझ में आता है कि हम क्या करें और हम किस दिशा में सोचें। लोगों से बात करने से और डिस्कशन करने से आपकी समझ बढ़ती है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से भी आपका दिमाग तेज होता है? जी हाँ, हर रोज एक कप कॉफी के साथ 15 मिनट के लिए एक डायरी लेकर बैठ जाइए और अपने विचारों को लिखें। इससे शांत वातावरण में आपका दिमाग भी ठंडे तरीके से और तेज काम करता है। नंबर 7, दोस्तों अभी हम वीडियो के अंत में आ गए हैं जहाँ हम सबसे लास्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। कहते हैं ना, समय से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। जिसने समय को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। इसलिए हम सबको वक्त की इज्जत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन के 24 घंटे का सही उपयोग करें। हर दिन को हमें प्लान करना चाहिए और उसी के हिसाब से अच्छे से बिताना चाहिए। प्लानिंग किए हुए काम हमेशा से ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आज के ऑनलाइन समय में वक्त का बीत जाना बहुत ही आसान है। हो सकता है कि आपने एक मेल चेक करने के लिए मोबाइल हाथ में लिया होगा और मेल के बजाय नेटफ्लिक्स पे 4 घंटे बीत गए। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें और उसी अकॉर्डिंग अपने दिन की प्लानिंग करें। याद रखें, आपको लगे रहना है और तभी आपके प्रयास का हल दिखेगा। इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और आप बहुत जल्द ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन जाएंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।